सबसे बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां के करवदा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपना वोट डाल दिया है। मतदान से पहले संतोष पांडे ने भी पूजा अर्चना की। बता दें संतोष पांडे राजनांदगांव से भाजपा के प्रत्याशी हैं। राधा कृष्ण मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। राजनांदगांव एक हाई प्रोफाइल सीट है जहां से बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे हैं। उनके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं कांग्रेस से। आज आपको बता दें छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान है। करवर्धा में डिप्टी सीएम ने भी वोट दिया, वहीं राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे ने मतदान से पहले राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। राजनांदगांव से संतोष पांडे बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उनके सामने कांटे की टक्कर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। बता दें आपको छत्तीसगढ़ की 3 सीटों कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है जो शाम 6 बजे तक चलेगा। और इसी बीच सुबह से ही खबर आ रही है कि कई दिग्गज नेताओं ने वोट डाल चुके हैं। वो लोग करवर्धा से खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आज वोट डाला है। वही खबर आ रही है कि राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे ने वोट डालने से पहले राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की है। आपको बता दें संतोष पांडे बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजनांदगांव से, और उनके सामने भूपेश बघेल हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं।